नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि SUV, XUV, TUV, सेडान, हैचबैक और MPV इन गाड़ियों में क्या अंतर होता है? अगर आप रोड पर देखेंगे तो आपको कई तरह की गाड़ियां चलती हुई दिखाई देंगी। हैचबैक से लेकर सेडान, SUV और TUV तक गाड़ियों के कई प्रकार होते हैं और जिनके बारे में काफी लोग तो जानते ही नहीं है। तो इसीलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कारों में SUV, XUV, TUV, सेडान, हैचबैक और MPV का क्या मतलब होता है। नंबर 1, SUV। दोस्तों, SUV का मतलब होता है स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल, और ये SUV वो गाड़ियां होती हैं जिनका ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा होता है और साथ ही इनमें 4-व्हील ड्राइव होता है। और दोस्तों, इन कारों की खास बात ये होती है कि ये किसी भी रास्ते पर आसानी से चल सकती है। इन्हें मुख्य रूप से कंकड़ पत्थर वाली रोड पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है। वैसे बहुत से देशों में SUV को जीप यानी कि जनरल पर्पज व्हीकल भी कहा जाता है। वैसे आपको भारत में कुछ ऐसी भी गाड़ियां मिल जाएंगी जिनमें 4-व्हील ड्राइव नहीं होता है, लेकिन फिर भी उन्हें SUV कहा जाता है। इसके अलावा वो गाड़ियां जो 5-सीटर SUVs होती हैं, उन्हें कॉम्पैक्ट SUV कहा जाता है, और 4 मीटर से छोटी गाड़ियों को भारत में सब 4 मीटर SUV कहा जाता है। महिंद्रा थार, मारुति सुजुकी जिप्सी, टोयोटा फॉर्च्यूनर, महिंद्रा स्कॉर्पियो, ये सभी SUV कार है, जबकि हुंडई क्रेटा, टाटा हैरियर, हुंडई टस्कन और होंडा CRV सॉफ्ट रोटर SUV और कॉम्पैक्ट SUV है। नंबर 2, TUV। TUV का मतलब होता है टफ यूटिलिटी व्हीकल। दोस्तों, ये TUV गाड़ियां SUV का छोटा वर्जन होती है और ये मुख्य रूप से भारत में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के द्वारा ही बनाई जाती हैं। और ये गाड़ियां भी खराब सड़कों पर चलने के लिए पूरी दुनिया भर में जानी जाती है। नंबर 3, XUV। XUV भारत में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कारों में से एक है। दोस्तों, XUV को भारत में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है और खासकर ग्रामीण इलाकों में। बता दूं कि XUV का मतलब होता है क्रॉसओवर यूटिलिटी व्हीकल। XUV में वो सभी फीचर होते हैं जो एक SUV कार में होते हैं, लेकिन XUV में कुछ खास बातें भी होती हैं। XUV ऑफ रोड के अलावा शहर की सड़कों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं। हम कह सकते हैं कि XUV SUV जैसी ही गाड़ियां होती हैं। XUV टर्म को इंडिया में सिर्फ महिंद्रा ही यूज करती है, यानी XUV को महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी बनाती है। नंबर 4, हैचबैक। दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा डिमांड हैचबैक कारों की है। हैचबैक एक छोटी कार होती है जिनमें सेडान कारों के जैसे पीछे की तरफ बूट टिकला हुआ नहीं होता है। ये गाड़ियां साइज में छोटी होती है और एक छोटे परिवार के लिए और शहर में चलाने और घूमने के लिए बेहतरीन होती है। मारुति सुजुकी ऑल्टो 800, ऑल्टो K10 और क्विड, ये सभी हैचबैक कारें हैं। नंबर 5, सेडान। दोस्तों, सेडान कार क्या होती है तो शायद आप सभी को पता ही होगा। वैसे इन कारों का नाम लेते ही लोगों के दिमाग में एक लंबी गाड़ी का ख्याल आता है, और इस तरह की कार को आमतौर पर फैमिली कार माना जाता है। सेडान गाड़ियों में बाकी गाड़ियों की तुलना में ज्यादा सेगमेंट होते हैं, और इन गाड़ियों में भी सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट सेडान कैटेगरी होती है। मारुति सुजुकी डिजायर, होंडा मेज, हुंडई एक्सेंट, टाटा टियागो और वॉक्सवैगन एमियो, ये सभी सेडान कारें हैं। नंबर 6, MPV। दोस्तों, MPV का मतलब होता है मल्टीपर्पज व्हीकल, और इसे MUV यानी कि मल्टी यूटिलिटी व्हीकल भी कहा जाता है, और इसे आमतौर पर पैसेंजर व्हीकल के रूप में जाना जाता है। इसमें भी SUV की जैसे बड़ा केबिन दिया जाता है जिसमें लोग आराम से बैठ सकते हैं और लंबे सफर के दौरान उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। ये यात्रियों के आराम को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की जाती है। इनमें 2 या फिर 3 लाइन में सीटें होती हैं। जब एक बार में गाड़ी में ज्यादा पैसेंजर बैठ सके तो ऐसी गाड़ियों को MPV यानी कि मल्टीपर्पज यूटिलिटी व्हीकल कहा जाता है। इस सेगमेंट में मारुति सुजुकी अर्टिगा और टोयोटा इनोवा जैसी कार आती है। नंबर 7, कूपे कार। तो कूपे कार में मुख्य रूप से 2 दरवाजे दिए जाते हैं। हालांकि अब कुछ कंपनियों ने 4 दरवाजे वाली कारों को भी कूपे नाम देना शुरू कर दिया है। इनमें ढलान वाली छत दी जाती है, और इस वजह से अब ऐसी छत वाली 4 दरवाजे वाली कारों को भी कूपे नाम से जाना जाने लगा है। आमतौर पर इस तरह की कारों में 2 ही सीटें होती हैं। भारत में जैगुआर F-टाइप और निसान GTR जैसी कूपे कारें हैं। नंबर 8, कन्वर्टेबल कार। दोस्तों, खुली कार में सफर करने का अपना ही एक अलग मजा होता है, लेकिन तेज धूप और खराब मौसम में हमें एक छत की जरूरत महसूस होती है, और इसी वजह से ऑटो कंपनियां कन्वर्टेबल कार बनाती हैं। जरूरत पड़ने पर इन्हें खुली कारों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और तेज धूप और बारिश में इसे खुली कार से छत वाली कार बनाया जा सकता है। इन कारों में लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर और मर्सिडीज बेंज C-क्लास आती है। तो दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि XUV, SUV, TUV, MUV, हैचबैक और सेडान इन सभी कारों में क्या फर्क होता है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसी वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।